ममता दीदी कहती है खेला हो गए, खेला तो पिछले 10 साल से हो रहा है। बंगाल की जनता के विश्वास से, बंगाल की जनता के सपनों से और बंगाल की जनता की जिंदगी से अब खेला ना हो गए। इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, इस बार खेला शेष हो गए। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या इसी तरीके की राजनीति में वो विश्वास रखती हैं? उनके पास 10 साल के बाद भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे वो ये चुनाव लड़ सके, एक ऐसा कारण नहीं है। कुछ नहीं किया उन्होंने बंगाल की जनता के लिए। यहां पर जापर में खड़ा हूं, यहीं पर हमारे 4 कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या यही तरीका उनकी राजनीति का? टीएमसी बात करती है विकास की कि उन्होंने बहुत विकास किया, सिर्फ एक ही तरीके का विकास किया कि यहां पर सिंडिकेट चलाया, यहां पर लूटपाट करी और कुछ नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है 2 मई के बाद बंगाल में सोनार बंगला बनेगा। और जो ममता बनर्जी जी का स्लोगन है खेला होबे, इस बार खेला शेष होबे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति घर वापस आता है तो उसको भारी नहीं कहा जाता, उसको अपना कहा जाता है। जिस तरीके से मुझे और मेरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर प्यार मिल रहा है, उससे पता चलता है कि किस तरीके से हमें अपनाया गया और किस तरीके से अपना माना गया है। 10 साल हो गए ममता दीदी को CM बने और उनके पास एक भी मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ सकें। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ, 10 साल तो छोड़िए, पिछले 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ बंगाल में। अब ये बताइए, आज़ादी के बाद कलकत्ता को छोड़ के, कलकत्ता को छोड़ के पूरे बंगाल में एक बड़ा शहर बनाया गया पिछले 10 साल में? आप ये बताइए कि क्या क्या मुद्दा है उनके पास, क्या उन्होंने विकास किया है? सिर्फ बंगाल को या तो फिर आतंकियों का या फिर गुंडों का अड्डा बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो इसलिए इस बार खेला शेष हो गए। गंभीर जी, ममता जी बार बार आप लोगों को बहिरागत कहता है, इसके बारे में क्या कहता है? बहिरागत, बाहर से आए हैं। वही मैंने उसी का जवाब दिया आपको कि जब कोई व्यक्ति घर वापस आता है, मैं बंगाल वापस नहीं आया, मैं घर वापस आया हूँ। जब व्यक्ति कोई घर वापस आता है तो उसको भारी नहीं अपना कहा जाता है। और भारी वो हैं जिन्होंने पिछले 70 साल से बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं किया, उनके सपनों के साथ विश्वासघात किया है, सिर्फ अपनी सत्ता, अपने आप को सत्ता में वापस लाने के लिए। मैंने अभी आपसे जवाब दिया कि आप मुझे बताइए, आज़ादी के बाद इतना बड़ा बंगाल है, एक कलकत्ता को छोड़ के क्या कोई और बड़ा शहर बनाया गया यहाँ पर? क्या पिछले 10 साल में सिर्फ गुंडागर्दी, आतंकी या फिर घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के अलावा ममता दीदी ने क्या किया? 10 साल के बाद भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे पे वो लड़ सके चुनाव, इसलिए वो इस तरीके के मुद्दे उठाती हैं। लेकिन 2 मई के बाद सबको पता चल जाएगा कि किसका खेला शेष हो गए। आपके बहुत सारे कार्यकर्ता मर गए, आप लोग सत्ते में आएगा और सरकार गढ़ने के बारे में क्या करेंगे? जिन्होंने ऐसा काम किए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बिल्कुल सही तरीके से कार्रवाई होगी। माहौल ऐसा लगा कि 2 मई को आपको पता चलेगा किस तरीके का माहौल है। 2 मई को सबको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 200 सीट लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी।